जल्दी जाना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है शायद की दिक्कतें यहीं पर बन सकती हैं। एंड आप देख सकते हैं नॉक्स निकालने की शुरुआत, स्काउट ने निकाला भी है, मैक्सी को डाउन किया, दैट वाज अ ब्रिलियंट 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 एडीएस नॉक। एग्जैक्टली सर, अगर हम लोग प्लेयर्स की बात करें, अभी भी देखिए थोड़ी बहुत फाइट्स वाटर सिटी के एरिया के अराउंड होती नजर आ रही हैं। ब्लाइंड, उनको शायद यही मोमेंटम चाहिए अगर उनको अपना खाता अच्छे तरीके से खोलना है इस गेम में, पर देन क्या जायरो गॉड उनके निशाने पर है, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन जाता है। आई थिंक जिस हिसाब से यूटिलिटी यहाँ पे उनकी तरफ फेंकी जा रही, निशाना तो डेफिनेटली तान के बैठे हैं ये ब्लाइंड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, बट इस वक्त एक्सपाक के अगेंस्ट टकराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बट जायरो गॉड को इंस्टेंटली नॉकडाउन करते हुए नजर आएंगे शैडो, थोड़ा सा डैमेज ट्रेड में इनको भी पड़ता हुआ, प्रोन आउट हुए थे ताकि खुद को बचा सके, बट ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स इस नॉक के साथ एक एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। रेज को देखिए आगे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं यूएमपी के साथ, आई थिंक वो फिनिश को कंफर्म करना चाहेंगे, और अगर ये फिनिश आया 3v4 की सिचुएशन में ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स आगे पुश कर सकती है अपने एडवांटेज के साथ। बट चलिए देखते हैं एक्सपाक की अब कोशिश होगी ट्रेड निकालने की, और रेज की तरफ से थोड़े शॉट्स आए जरूर थे, वो खुद का ऊपर शॉट दे रहे, बट वो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देख पा रहे, जो शायद उनके दिक्कतें कर सकता है, बट खुद को अभी कवर में लेकर के आ चुके शैडो, उनके साथ साथ कवर यहां पर देते नजर जो है शॉट्स इनफैक्ट 420 पर ले रहे थे। आई गेस अब बचना मुश्किल है यहां पर जायरो गॉड का कुछ भी करके, तो ये एक कंफर्मेशन जरूर मिल सकती है ब्लाइंड की टीम को, उसी के साथ उनका खाता खुलता नजर जरूर आएगा, जो पिछले दो गेम से एक फुल स्टॉप के साथ था, वहां पर कुछ ना कुछ अब लिखावट शुरू होने वाली है। और ब्लाइंड के प्लेयर्स को आप देखिए एक एक करके धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं, बट वाटर सिटी जो है वो इस टीम का घर रहा है, किस तरीके से डिपेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। थोड़े बहुत यहाँ पर शॉर्ट दिए गए थे 420 के द्वारा, बट क्या उसके बाद कुछ कर पाएंगे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, और उसी के चलते जायरो गॉड लेकिन वहीं पर और फाइट्स हो रही है। सीधू को देखिए बिल्कुल सामने दो बार ड्रॉप शॉट्स लिए, एक एचपी पर सरवाइव करते करते सीधा नियो को बाहर का रास्ता दिखाया, बट ही विल बी टेकन डाउन क्योंकि वो गिर चुके हैं बाकी प्लेयर्स से गॉड लाइक है, जो अब गुस्से में। डजंट मैटर, एक इंप्रेसिव फिनिश यहां पे दिखाया, हर तरफ से गोलियां उनकी तरफ चलाई जा रही है, बट अपना कंपोजर मेंटेन किया और एक फिनिश निकाला, बट गॉड लाइक के जोनाथन यहां पे नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे उस फिनिश स्पीड के अंदर। टीम एक्सपाक का पुश ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ रेज को नॉकआउट करके इस गेम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। स्काउट अपने टीममेट के साथ एक 2-on-1 पुश यहां पे देखने को मिला, बट आई थिंक जायरो गॉड के फिनिश का बदला पूरी ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स को बाहर करके ही एक्सपाक लेने की कोशिश करेगी। ऑन द अदर साइड जोनाथन नॉक्ड आउट है, बट परेशान तो फिर भी करने वाले ओपोनेंट्स इजीली, उनको खैर यहां पर फिनिश जरूर किया जाएगा। अब गॉड लाइक को समझना पड़ेगा कि उनको अपना गेम प्लान कैसे बदलना है, दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दे जस्ट नीड टू push themselves to the final limits, लेकिन यहीं पर आप blind के players को देखिए अभी भी रुके हुए हैं, और Johnny zone इनसे दूर है, exactly. मतलब अब circle को respect देने का समय आ चुका है। बिल्कुल, सर्कल को अब यहाँ पे रिस्पेक्ट देके आपको खेलना होगा, प्लस अलॉन्ग विद दैट आई थिंक ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स की तरफ से एक और ब्लंडर हो चुका है ओशन। Already, जब हमने फाइट स्टार्टिंग में देखी थी 3v4 इनके पास एडवांटेज था अगेंस्ट एक्सपाक, बट 3v4 में भी एक्सपाक बेहतरीन तरीके से उभर के आती हुई